एडीसी आयुष सिन्हा जी, एसपी मोहित भांडा जी, एएसपी हिमाद्री कौशिक जी, बाहर से आए हुए सभी मौजूद मेहमान, सभी शहर और ग्राम 1200 करोड़ के खर्चे से जो गवर्नमेंट सरकार वहन करेगी, ये मेडिकल कॉलेज और हमारी जो खास करके आरंभिक डॉक्टर्स हैं, इसमें हमारे यहाँ ईमानदार से बहुत बड़ी बात होती है, उनको भी कुछ ट्रेंड करके आप उनको कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनकी सेवाएं भी दी जाए। मुझे पता है वो सैनी हमारे ग्यारह जी सैनी यमुनानगर के यही के रहने वाले, उन्होंने तो कहा कि 20,000 ऐसे आरंभी हैं, उनकी सेवाएं किस रूप में दी जा सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी घर में इस प्रकार की हेल्थ केयर के नाते से कोई लाभ की व्यवस्था करें, ये कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, खास करके पांजोपुर की हमारे गाँव की पंचायत, इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इन्होंने अपनी जो 20 एकड़ जमीन है ये इस काम के लिए हॉस्पिटल की और मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार को दी है। पांजोपुर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। आज यमुनानगर के गांव पांजूपर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज जब ये शुरू हो जाएगा तो पूरे ज़िले का उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको भी इस मेडिकल कॉलेज का लाभ होगा। तो जहां मुख्यमंत्री जी ने इस एवज में स्वास्थ्य की सेवाओं के एवज में सारा कुछ बताया, वहीं आरएमपी डॉक्टरों से भी सेवाएं लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को भी ट्रेनिंग देके और इनसे भी सेवाएं ली जाएंगी। तो इसी एवज में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बढ़िया किया है, अगर ये काम हो जाता है तो बहुत लोगों को जो है सुविधा मिलेगी। तो साथ साथ में मुख्यमंत्री जी से हमने एक सलाह भी दी है कि आपने पूर्व काल में अपने पिछले कार्यकाल के अंदर जो हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का गठन किया था उसी की एवज के अंदर ही ये काम होगा, इसलिए सबसे पहले आप बोर्ड का गठन करें और बोर्ड का गठन करने के बाद ही जो बोर्ड ने पिछले कार्यकाल में नियम रूल पास किए थे वो रूल आप सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार उनको उन रूलों को अपनी कैबिनेट में पास करके या विधानसभा में पास करके उसको दोबारा बोर्ड के अंदर भेजे और बोर्ड के अंदर जो ही वो नियम रूल पास होके जाएंगे तुरंत ही बोर्ड एप्लीकेशन मांग लेगा और पत्र लोगों से जो ही एप्लीकेशन मांगी जाएगी उसके बाद ही ये प्रक्रिया ट्रेनिंग वाली स्टार्ट होगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से भी सलाह भी है और विनती भी है कि आप जल्द से जल्द पहले एक बोर्ड का गठन करें और फिर ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का दोबारा फिर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आरएमपी की बात मान ली है। सर बराबर में जमीन है, उस तरफ भी दोनों तरफ जमीन है, ओपन है। टाइम भी तो आगे बहुत ज़्यादा टाइम है।